नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिवाइस डिकोड पे और मैं लेके आज रिकॉर्ड वीडियो। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आज ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है लाल किले से कि इंडिया को मिलने जा रहा है इंडिया का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि तीनों मिलिट्री कमांड की एक इंटीग्रेटेड बॉडी होती है। और इस तरह की बॉडी डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस और मिलिट्री को मैनेज करने में काफ़ी एडवांटेजेस होती है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि CDS के आ जाने के बाद किस तरह से जो इंडियन आर्म फोर्सेस है वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा और इसके क्या क्या एडवांटेज है। और इसी वीडियो में बात करेंगे कावेरी इंजन के बारे में। तो कावेरी इंजन को लेके कुछ नए अपडेट्स आए हैं और इन अपडेट्स की माने तो ये जो कावेरी इंजन प्रोग्राम है, जिसमें ऑलरेडी 3,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट हो चुका है, लेकिन इसमें और भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो इंडियन बॉडी है वो कहीं ना कहीं स्केप्टिकल है। तो कावेरी इंजन को लेकर देखेंगे कि इस इंजन को रिवाइव करने के लिए जो पार्टनर था, जिसे राफेल के ऑफसेट डील के अंतर्गत साफरन को चुना गया था, तो उस पार्टनर को लेकर इस प्रोग्राम में और इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाली है, और जिसका सीधा मतलब यह है कि यह प्रोग्राम कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आ रहा है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये अपील करना चाहूंगा कि आप नेशन बिल्डिंग में अपना पार्ट जरूर निभाएं, चाहे वो पार्ट आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करके निभाएं, या फिर आप अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करके निभाएं, या फिर नए नए इनोवेटिव इन्वेंशन करके निभाएं। तो आप अपना पार्ट इन सभी रूपों में निभा सकते हैं, जिससे कि हमारा देश प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयों को छू सके। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किस तरह की रैंक होती है। तो बेसिकली ये रैंक एक 4-स्टार आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स ऑफिसर की होगी, जो कि इन तीनों में से किसी भी सर्विस से आ सकता है। और CDS की जो रैंक है ये एक कनेक्शन बनाता है प्राइम मिनिस्टर और तीनों सर्विसेज के बीच में। तो CDS का मेन पर्पज ये है कि ये एक तरह की व्यवस्था बनाता है प्रायोरिटी को तय करने के लिए डिफेंस एक्सपेंडिचर और प्लानिंग को लेके, जो भी हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए सूट करेगा। तो पहली बार CDS के लिए रिकमेंडेशन 1999 में कारगिल वॉर के बाद दिया गया था, लेकिन उसके बाद कुछ पॉलिटिकल अपोजिशन की वजह से ये मैटर डिले होता गया। और हाल ही में आज 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि इंडिया को CDS दिया जाएगा। आपको बता दूं, इंडिया पूरी दुनिया में 65th ऐसी कंट्री होने जा रही है जिसके पास CDS होगा। इससे पहले ये पोजीशन चाइना के पास भी है। तो बेसिकली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक जॉइंट स्ट्रक्चर क्रिएट करता है आपके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में, जिससे कि आपके आर्म फोर्सेस की जो प्लानिंग है और एक्विजिशन है इसको इकोनॉमिकल और एफिशिएंट बनाया जा सके। तो इस तरह के जॉइंटनेस को अप्रोच करने के लिए दो मेथड है। पहला होता है आपका टॉप डाउन मेथड और दूसरा होता है आपका बॉटम अप मेथड। तो ये इस तरह के जो मेथड्स होते हैं वो आपके आर्म्ड फोर्सेस की जो वॉल्यूम है उसको देख के अप्लाई किया जाता है। लेकिन जहां तक बात है इंडिया की, तो इंडिया के केस में इंडिया के पास एक लार्ज मिलिट्री है, तो उसको देखते हुए एक मिक्सचर ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप मेथड का अप्लाई किया जाएगा जॉइंटमैनशिप अचीव करने के लिए। तो इस तरह के जॉइंटनेस को अप्रोच करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के बैरियर सामने आते हैं, जैसे कि मान लो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिसमें आर्मी का और एयरफोर्स का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उस ऑपरेशन को लेकर जो मेन रोल होगा वहाँ पे आर्मी की रिक्वायरमेंट है, जब एयरफोर्स की भी वहाँ पे हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो एयरफोर्स का इन्वॉल्वमेंट कितना और किस प्रकार का होना चाहिए, तो इस चीज को लेके कहीं ना कहीं रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, जो कि इस तरह के जॉइंटनेस में एक मेजर बैरियर क्रिएट करते हैं। दूसरा बैरियर तब आता है जब किसी एक पर्टिकुलर आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स को अपने जो रिसोर्सेस एलोकेट किए गए हैं, मान लो इनके लिए कुछ वेपन बनाए जाने हैं या फिर इनके पास जो भी व्हीकल्स हैं उनकी मेंटेनेंस की जानी है, तो उस मेंटेनेंस के लिए जो पैसा आएगा वो इन तीनों कमांड में से किस कमांड से आएगा और कितना आएगा, तो इसको लेके भी कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। तो ये इस तरह के बैरियर्स आ जाते हैं एक तरह के जॉइंटनेस को क्रिएट करने में। अब बात करते हैं वो कौन कौन से एरिया है जिसको लेके CDS की जो इम्पोर्टेंस है वो और बढ़ जाती है। जैसे कि ऐसे बहुत से एरिया है जहां पे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अपने रिसोर्सेज को एक पूल के रूप में शेयर कर सकते हैं रादर इंडिविजुअली स्पेंड करने के। अगर ये तीनों सर्विसेज एक पूल के रूप में अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं तो उससे क्या होगा, किसी एक प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए जिसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है, देश की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जहाँ पे CDS का इम्पोर्टेंस वैल्यूएबल है, जैसे कि इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सिस्टम। तो इस एरिया में CDS के आने से एक अच्छा खासा काम हो सकता है। जो भी तीनों सर्विसेज हैं इनके लिए मेडिकल, पोस्टल, वर्क सर्विस, मूवमेंट कंट्रोल, क्वालिटी अश्योरेंस, डिफेंस लैंड, मिलिट्री फार्म, तो इस तरह के जो भी एंटिटी हैं उसको आसानी से CDS के द्वारा कंट्रोल किया जा सकेगा और तीनों सर्विसेज के लिए एक कॉमन ग्राउंड पर लाया जा सकेगा। बात करते हैं दूसरे सेक्शन की जहाँ पे CDS एक अच्छा खासा काम कर सकता है, और वो है जॉइंट होल्ड एग्जिट। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो भी सर्विस है जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तो इनके पास अपनी अपनी इन्वेंटरी होती है डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स की, जो कि अमूमन कॉमन होती है तीनों सर्विसेज में, जैसे कि हेलीकॉप्टर, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, रेडार्स, कुछ मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और कुछ बजटरी सपोर्ट R&D के लिहाज से।
तो इस तरह के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो तीनों सर्विसेज में कॉमन होते हैं, जिसमें आपके हायर रैंक के जो भी ऑफिशियल्स होते हैं तो उनकी जो कार्स हैं, मिलिट्री कार्स हैं, सेना, एयरफोर्स या फिर नेवी की जो भी मिलिट्री कार्स हैं, तो उन सब की जो रिपेयरिंग फैसिलिटी है, अगर उनको एक कॉमन ग्राउंड पे ले आया जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस को इकोनॉमिकल बनाया जा सकेगा CDS की हेल्प से। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, जिसमें CDS अपना इंपॉर्टेंस रोल निभा सकता है, और वो है जॉइंट ट्रेनिंग। अगर तीनों सर्विसेज एक जॉइंट ट्रेनिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की क्षमता और अपने इनपुट्स एक दूसरे को दे पाएंगे, और जिससे क्या होगा, आगे चल के एक बेटर प्लानिंग करने में, किसी भी ऑपरेशन को अचीव करने के लिए ये काफी कारगर साबित होगा। और जॉइंट ट्रेनिंग को लेके कुछ रिकमेंडेशंस हैं, जैसे कि ये जॉइंट ट्रेनिंग प्रत्येक 3 साल में होनी चाहिए, और इस जॉइंट ट्रेनिंग के दौरान किसी भी 2 सर्विस को लेके ओवरलैपिंग करके उस प्रकार की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट तरह के जॉइंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन पूरे कंट्री में स्थापित करना होगा, और जिसके अंतर्गत इन सभी इंस्टीट्यूशन में जो वेपन सिस्टम है, व्हीकल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं या फिर रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम है, इन सब का एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए, जिससे कि पूरे ट्रेनिंग को स्टैंडर्ड बनाया जा सके। अब बात करते हैं CDS की इंपॉर्टेंस एयर डिफेंस और एयर स्पेस मैनेजमेंट को लेके। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे, एयर डिफेंस और एयर स्पेस को लेके जो वॉरफेयर है वो काफी आगे बढ़ने वाला है और काफी प्रचलन में आने वाला है। तो इस चीज को देखते हुए अगर CDS एयर डिफेंस और एयर स्पेस को कंट्रोल करता है तो ये काफी हेल्प करेगा उस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने में, जिसमें UAV, हेलीकॉप्टर्स, लॉन्ग रेंज आर्टिलरीज, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट और डिफरेंट तरह के सिविल एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व हैं। तो इन सब का एक कंट्रोल CDS के पास रहेगा तो ये अच्छे से किसी भी ऑपरेशन को प्लान कर पाएंगे और जो इंट्रा ऑपरेटिबिलिटी है वो बढ़ा पाएंगे। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन को लेके CDS की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है। तो एक कमांड से लेके दूसरे कमांड के बीच में कम्युनिकेशन के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट रैंक के पर्सनल्स के थ्रू कम्युनिकेट करना पड़ता है। वहीं पर आपका CDS बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है तो ये सभी एक कॉमन ग्राउंड पे कम्युनिकेट कर पाएंगे, जो कि काफ़ी सिक्योर और रिलायबल होगा। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंटरनेशनल मिलिट्री कोऑपरेशन को लेके CDS कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो अभी फिलहाल हमारे जो तीनों सर्विसेज हैं उन सब में एक सेपरेट हेडक्वार्टर है फॉरन कोऑपरेशन को देखने के लिए। इंडियन आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो, इन सभी में एक सेपरेट हेडक्वार्टर दिया गया है। लेकिन जैसे ही ये CDS आता है तो फॉरन कोऑपरेशन को देखने के लिए एक कॉमन बॉडी होगी CDS की, जिसे फॉरेन डेलीगेशन के रूप में भेजा जा सकेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। अब बात करते हैं जॉइंट स्टाफ फंक्शनिंग की। तो बेसिकली किसी भी पर्सनल को अपॉइंट करने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर रैंक का पर्सनल अपॉइंट कर दिया जाता है एक ऐसे रोल के लिए जो कि कभी कभी उसके करियर प्रोफाइल में फिट नहीं होता है। तो इस तरह की डिफिकल्टीज को एलिमिनेट करने के लिए CDS एक अच्छा रोल निभा सकता है, और CDS की हेल्प से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के क्या क्या पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं देश हित में, उसको अच्छे से प्रायोरिटाइज कर दिया जाएगा और एक कॉमन रिसोर्स का यूज करके उस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक किया जा सकेगा। तो बेसिकली इतनी सारी बातों का यह सारांश है कि CDS एक समय की डिमांड है, क्योंकि फ्यूचर वॉरफेयर और इंटेंस होने जा रहा है, और जिसके लिए आपको तीनों सर्विसेज से जो इनपुट है वो चाहिए होंगे और एक सिंक्रोनाइज मैनर में चाहिए होंगे, जो कि ट्राई सर्विस के जॉइंटनेस से ही किया जा सकता है। अब बात करते हैं कावेरी इंजन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, कावेरी इंजन को लेके कुछ नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं, और ये अपडेट्स उतने अम्यूजिंग नहीं है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, कावेरी इंजन के रिवाइवल के लिए राफेल के ऑफसेट डील के साथ एक क्लॉज किया गया था, जिसके अंतर्गत फ्रेंच कंपनी साफरान कावेरी इंजन के रिवाइवल में इंडिया की हेल्प कर रही थी, और इस ऑफसेट डील के अंतर्गत 3.4 बिलियन यूरोज फ्रेंच कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने वाली थी, और उस 3.4 बिलियन यूरोज में से तकरीबन 500 मिलियन यूरो सिर्फ साफरान ही इन्वेस्ट करने वाले थे इस प्रोग्राम पे, जिसमें से तकरीबन 250 मिलियन यूरो ऑलरेडी कावेरी इंजन में इन्वेस्ट कर चुकी है साफरान। लेकिन इस 250 मिलियन यूरोज का कोई प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं मिला है, और जैसा कि हम अपने स्क्रीच वाले प्रॉब्लम इशू में ये बात कर चुके हैं कि जो रंबल का इशू था उसे तो साफरान की हेल्प से रिजॉल्व कर लिया गया था, लेकिन जो स्क्रीच का इशू है ये अभी वहां पे है, और इसमें साफरान ये चाह रहा है कि DRDO और इन्वेस्ट करे तकरीबन 500 मिलियन यूरो के अराउंड, और इसको लेके DRDO ने एक स्टेप लिया है, और DRDO ऐसा चाह रही है कि वो इस प्रोग्राम में और इन्वेस्ट नहीं करने वाली है, क्योंकि इस प्रोग्राम से DRDO को कोई रिजल्ट आता हुआ नहीं नजर आ रहा है, और DRDO के साथ ये पता चल चुका है कि इस प्रोग्राम को डेवलप करने से अच्छा है यही जो अमाउंट है वो एक नए इंजन के डेवलपमेंट में लगाया जाए, जिससे कि कावेरी का एक एडवांस वर्जन डेवलप किया जा सके, क्योंकि जो प्रीवियस वर्जन अभी चल रहा है कावेरी का उसमें कौन सी प्रॉब्लम किस क्षेत्र से आ रही है वो लगभग DRDO पता लगा चुकी है। अगर एक स्क्रैच से डिजाइन करना शुरू करती है DRDO, वो उम्मीद कर रहे हैं कि एक नए इंजन को जल्द से जल्द बनाया जा सकेगा, और इसीलिए इस प्रोजेक्ट में और पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी 2900 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। हालांकि जहां तक इस इंजन की यूसेज की बात है तो उसको डाउनग्रेड करके जो भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं और जो शिप्स हैं उनमें लगाया जा सकेगा। तो कावेरी इंजन को लेके अभी तो फिलहाल इतना ही अपडेट आ रहा है, और ये अपडेट उन लोगों ने दिए हैं जो कि इस प्रोग्राम में अभी इन्वॉल्व हैं। तो इस बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं,
कमेंट सेक्शन जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।